हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम लेके आए आपके लिए पार्ट फोर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम बात करेंगे आज हार्ड डिस्क ड्राइव की, यानी हार्ड डिस्क की, जिसके बारे में हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, हार्ड डिस्क का क्या यूज़ है, या फिर जो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है हार्ड डिस्क की, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। आई थिंक जो मेरे पिछले पार्ट्स थे उसमें आपने प्रोसेसर, मेमोरी या फिर कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त की होगी। तो चलते हैं हम अगले, देखते हैं कि क्या होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर वेयर प्रोग्राम, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जहाँ पर आपका प्रोग्राम या फिर आपका डेटा लंबे समय तक रह सकता है। यानी जैसे अगर हम बात करें सच एज हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लैश ड्राइव। हार्ड डिस्क को आप लोग जानते होंगे, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, हमारी सीडी या फिर डीवीडी। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव हमारी क्या होती है, हमारी पेन ड्राइव, हमारी चिप, ये सारी किस्में आती हैं आपके फ्लैश डिस्क ड्राइव में। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने किसके, हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पर। तो हार्ड डिस्क होता क्या है, तो बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी, शॉर्ट में इसे एसएसडी कहते हैं। क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर डेटा को परमानेंट स्टोर किया जा सकता है। हमने बात की थी वॉलेटाइल मतलब टेम्पररी और नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट, यानी कि डेटा को यहाँ पर क्या है, परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ, इट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग में जो आपके हार्ड डिस्क अगर हम बात करें 80 GB से स्टार्ट हुई, और अभी जो है मैक्सिमम 16 TB तक की हार्ड डिस्क आपको मार्केट में मिलती है। यानी आप मार्केट में जाएं तो 80 GB से लेकर के 16 TB तक की जो हार्ड डिस्क है वो आपको मिल जाएगी। इसके आगे आप बात कर लेते हैं हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम जो ये GB, TB ये सब कहाँ तक होती हैं, या फिर इसका मतलब क्या होता है, या फिर सबसे छोटी जो यूनिट है डेटा की, यानी डेटा को अगर हम बात करें कि सबसे कम डेटा जो है, सबसे छोटा डेटा वो कितना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है, क्लियर नहीं होता है, तो आज उसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, यानी कंप्यूटर के अंदर आपकी जो मेमोरी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी को, और बाइनरी में क्या होते हैं, दो डिजिट होते हैं, एक तो होता है आपका 0 और एक होता है आपका 1। अब ये जो 0 और 1 है, यानी कि हमें अगर कुछ भी डेटा रखना है तो वो कम से कम 0 या फिर 1 तो होगा ही। यानी डेटा अगर ज़्यादा है तो वो फिर आपका क्या होगा कि बाइनरी मिलकर बढ़ता जाएगा, यानी 0 1 0 1 1 1 0 समथिंग लाइक दैट होगा। लेकिन कम से कम कितना होगा, 0 या फिर 1। तो जो हमारा 0 या 1 यानी एक बाइनरी है, वो क्या होती है, वो हमारी 1 बिट के बराबर होती है। यानी सबसे छोटी यूनिट जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारी बिट है, और हमारा जो एक बाइनरी का डिजिट है वो 1 बिट के बराबर होता है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि सबसे छोटी यूनिट क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे ये यूनिट बढ़ी, जैसे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डेटा है या कुछ भी है तो हमारा डेटा बढ़ता जाता है। कि हमारा डेटा क्या है, हमने थोड़ा डेटा था पहले, हमारी फाइल्स भी छोटी होती थी। आपने देखा होगा पहले हमारे सॉन्ग वगैरह MP3 बड़े छोटे फाइल्स में होते थे, अभी आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी फाइलें आती है आपकी। वीडियोस वगैरह क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ी है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एक्सपेंड हुई है, फाइलों का साइज भी बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा बिट को मिलाकर बनाएगा, अगर 4 बिट मिल जाता है तो क्या बनता है आपका, 1 निबल बनता है। इसके बाद अगर 8 बिट मिल जाती है तो उसे बोलते हैं 1 बाइट, जो आपने सुना होगा। इसके बाद अगर आपका 1024 यानी 1024 अगर बाइट मिलते हैं तो बनता है 1 KB, 1024 KB मिलता है तो बनता है 1 MB, 1024 MB मिलता है तो 1 GB, और 1024 GB मिलता है तो बनता है 1 TB। अभी जो हम हार्ड डिस्क की 16 TB की बात कर रहे थे, मतलब क्या है वो, यही 16 TB है। इसके बाद 1024 TB अगर मिलता है तो वो होता है 1 PB। इसके बाद 1024 PB मिलता है तो 1 EB, देन 1024 EB इज इक्वल टू 1 ZB यानी जेटावाइट। इसी तरीके से आपका योटावाइट, ब्रोंटोवाइट और जियोबाइट, यहाँ तक कि आपकी जो यूनिट्स है कंप्यूटर मेमोरी में अभी तक यूज होती है। यानी इतना ही आपका डेटा है, बहुत हो जाता है। अगर आप बात करेंगे कि जीबी जीबी की आप मिलाएंगे तो हजारों लाखों हार्ड डिस्क मिलाकर जो है आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं आपके हार्ड डिस्क के आपके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने हार्ड डिस्क को देखा होगा। हार्ड डिस्क क्या होती है, देखने में कुछ इस तरीके की होती है हार्ड डिस्क के, लेकिन अंदर क्या होता है, वो कैसे काम करती है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, आपका डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, कैसे हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर कर लेती है, कैसे वहाँ से आप रीड और राइट करते हैं डेटा को। तो इसके कंपोनेंट होते हैं कुछ ये, जैसे सबसे पहला क्या है आपका प्लैटर। तो प्लैटर कौन सा होता है, प्लैटर होता है ये वाला पार्ट आपका, यानी जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ अभी प्लैटर कौन सा, ये वाला।
इसके बाद अगर हम बात करें हेड एक्चुएटर की, तो हेड एक्चुएटर यहाँ पर क्या होता है आपका, ये है आपका हेड एक्चुएटर। इसके बाद आपके रीड राइट हेड की बात करें, तो रीड राइट हेड जो है आपका, ये रहा आपका रीड राइट हेड। इसके बाद आपकी बात करें स्पिंडल मोटर की, तो मोटर आपकी क्या है, ये लगी हुई है स्पिंडल मोटर। इसके बाद आपकी सर्किट बोर्ड की, तो सर्किट बोर्ड जो है इसकी बैक साइड में होता है। थोड़ा सा अगर बात करें यहाँ से सर्किट गया हुआ है जो कि आपके बैक साइड तक पहुँचे, वो आके मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। इसके बाद है आपका स्मॉल स्पिंडल, जो कि कौन सा, ये वाला मोटर, ये वाला आपका कौन सा स्पिंडल मोटर, ये है स्मॉल स्पिंडल। इसके बाद जंपर, तो जंपर भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, जंपर आपके जो है इस साइड में होते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर हमारी हार्ड डिस्क जो है वो काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो क्या होता है, द प्लेटर आर यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, प्लेटर। क्या काम होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। आपके जो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करता है, वो कहाँ स्टोर होता है, आपके हार्ड डिस्क के प्लेटर में। फिर क्या, दे आर डिस्क मेड फ्रॉम अ हार्ड मटेरियल, ये किसकी बनी होती है, आपके हार्ड मटेरियल की बनी होती है, जैसे आपका एल्यूमिनियम का या फिर ग्लास, विच इज़ कोटेड, और इस पर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, किसकी, निकेल की, कोबाल्ट, प्लेटिनम या फिर कार्बन, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है ये बनाई जाती है। दैट कैन बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, इसे जो है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, जो कि हमारा रीड राइट हेड करता है, यानी जब हमारा डेटा क्या होता है, रीड और राइट होता है, तो वो क्या है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे एक्चुएटर, तो एक्चुएटर का काम क्या होता है, एक्चुएटर दैट मूव्स द रीड राइट आर्म, एक्चुएटर का काम होता है आपके रीड राइट आर्म को मूव कराने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें रीड राइट हेड की, तो रीड राइट हेड क्या होता है, ये एक आपका टीनी मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है, जो कि आपके एंड ऑफ द रीड राइट आर्म पर लगा होता है। ये क्या करता है, आपके डेटा को रीड राइट कराने का काम इसी का होता है। ये क्या करता है, मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। स्पिंडल मोटर का काम, जैसा कि मोटर का आपको पता है काम क्या होता है, ये आपके रोटेट कराने के लिए प्लेटर को, प्लेटर क्या है, चारों तरफ घूमता है हाई स्पीड में, तो ये काम कौन करता है, स्पिंडल मोटर। सर्किट बोर्ड की बात करें, तो अब जो हमारा डेटा रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, इन सबको जो एक फ्लो हो रहा है हमारे डेटा का, इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ तो होना चाहिए, तो वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा सर्किट बोर्ड। इसके बाद स्मॉल स्पिंडल की बात करें, तो स्मॉल स्पिंडल का काम होता है आपके रीड राइट आर्म को स्विंग कराने के लिए प्लेटर के अक्रॉस, क्योंकि क्या होता है, आपके प्लेटर के अक्रॉस जो है ये स्विंग होता रहता है। जंपर का जो काम होता है, वो आपके हार्ड डिस्क की सेटिंग को कन्फिगर करने के लिए होता है। आई थिंक आपको इसके कंपोनेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर हार्ड डिस्क खोलते हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि हार्ड डिस्क में कौन सी चीज़ क्या काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो हार्ड डिस्क आपकी देखने में कुछ इस तरीके की होती है, जिसका सर्किट बोर्ड की हम बात कर रहे थे, ये लगा हुआ सर्किट बोर्ड। ये क्या होता है आपका, यहाँ से आप देख रहे हो कि सर्किट बोर्ड यहाँ से गया हुआ है, और आपके बैक साइड में जहाँ पर प्लेटर लगा था, रीड राइट आर्म लगी थी, वहाँ पर जाके आपका कनेक्ट होता है जाके, और आपके डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। साथ ही जंपर की बात करें, तो जंपर की सेटिंग जो यहाँ पर की जाती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क एक से ज़्यादा लगी, तो आपको कौन सी हार्ड डिस्क मास्टर बनानी है, कौन सी हार्ड डिस्क स्लैब बनानी है, ये सारी चीज़ें आप जो है जंपर का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी एक वर्ड आता है आरपीएम, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें, तो हमारी जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है वो आरपीएम में लिखी होती है, या हार्ड डिस्क की आपकी जो स्पीड है वो कितने आरपीएम का है, तो इसका मतलब क्या है। तो आरपीएम स्टैंड फॉर होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, या दूसरे वर्ड में बोले तो राउंड पर मिनट। आरपीएम क्या बताता है, आरपीएम डिफाइंस दैट हाउ मैनी टाइम्स द प्लेटर ऑफ द ड्राइव कंप्लीट 360 टर्न इन वन मिनट, यानी आपका जो प्लेटर है वो 360 यानी चारों तरफ जो है कितने राउंड जो है आपका एक मिनट के अंदर लगाता है, उसे कहते हैं आरपीएम। फास्टर आरपीएम, यानी आपका आरपीएम जो है जितना ज़्यादा होगा, उसका मतलब क्या, रीड राइट परफॉर्मेंस जो है आपके ड्राइव की बड़ी अच्छी होगी, जल्दी से डेटा आपका रीड हो जाएगा, जल्दी से आपका राइट हो जाएगा, यानी आपको स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलेगी। हार्ड डिस्क जो अवेलेबल है आपके आरपीएम में, वो किस किस में, आपकी 5400, 5900, 7200 और 10000, ये सारी स्पीड में आपकी आरपीएम में हार्ड डिस्क अवेलेबल है। आई थिंक आपको आरपीएम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क के बारे में, कि हार्ड डिस्क कितने टाइप की होती हैं। तो बात करें तो करेंटली वी कैन ग्रुप हार्ड डिस्क इनटू टू टाइप, दो टाइप्स की हार्ड डिस्क हो सकती है, एक तो आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क जो आपके सिस्टम के अंदर लगी होती है, एक आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आप सिस्टम के बाहर से भी कनेक्ट करा सकते हैं।
अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनल हार्ड डिस्क। तो इंटरनल हार्ड डिस्क कौन कौन सी हो सकती है? तो यहां पर इसकी अगर टाइप की बात करें तो ये फोर टाइप की हो सकती है। सबसे पहला है आईडी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी का दूसरा नाम है आटा, या इसी का तीसरा नाम है पाटा, जिनकी फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। दूसरा टाइप है हमारा सीरियल आटा, यानी आटा मतलब वही आपका एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तीसरा टाइप है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, यानी स्कसी। फोर्थ टाइप है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी एसएसडी। अब इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप पर आ गए हम, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी पाटा या फिर आईडी या फिर आटा। तो इसका मतलब क्या है? तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पैरेलल आटा, तो यहाँ पर क्या होता है कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या फिर पाटा एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कैसे कराना है। जैसा कि इसका नाम बताता है, पाटा इज बेस्ड ऑन पैरेलल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी। ये किस पे बेस्ड होता है? पैरेलल सिग्नल टेक्नोलॉजी पे, यानी पे आपका जो डेटा जाता है वही आपके पैरेलल सिग्नल की फॉर्म में जाता है। द कनेक्शन फॉर पाटा डिवाइस वर ओरिजिनली मेड यूजिंग 40 कंडक्टर रिबन। यहां पर अगर बात करें हमारी, तो पाटा जो आपकी हार्ड डिस्क है, इसका जो कनेक्शन हम करते हैं वो आपके 40 कंडक्टर की रिबन केबल के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो उस पर किस पे हो रहा है? 40 कंडक्टर की एक रिबन केबल का यूज करके। इसके बाद अगर हम बात करें, 4 पिन का एक मोलेक्स कनेक्टर यूज होता है उसे पावर देने के लिए हार्ड डिस्क को। अगर बात करें, दीज वर लेटर सप्लीमेंटेड बाई 80 कंडक्टर केबल। जो हमारी 40 कंडक्टर केबल है वो पहले 80 कंडक्टर की हुआ करती थी। जैसे अगर हम देखें तो आप यहाँ देखेंगे, ये हमारी जो हार्ड डिस्क है वो कौन सी है? पाटा हार्ड डिस्क है। इसकी ये जो हमारे पास केबल दिख रही है कौन सी? हमारे 40 कंडक्टर की जो है रिबन केबल है, जिससे हम क्या कराते हैं कि अपनी हार्ड डिस्क को जो है कनेक्ट करा देते हैं अपने इस कनेक्टर से, और दूसरी साइड लगा देते हैं हम अपने किसमें? मदरबोर्ड में। और हमारी हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट हो जाती है हमारे मदरबोर्ड से। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो पास से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है आपके 40 पिन्स हैं। साथ ही ये 40 कंडक्टर इस तरीके से इस केबल के अंदर लगे हुए होते हैं, जबकि जो पहले केबल्स आती थी वो कौन सी होती थी? आपकी 80 कंडक्टर की केबल होती थी। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, ये जो पिन है आपकी, ये कितनी है? 40 पिन होती हैं। यानी आपसे बहुत तो जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कनेक्ट भी कराना है, तो हमारी जो पाटा हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए 40 पिन की केबल आपकी यूज होती है, और आपका जो पावर के लिए चाहिए होता है वो आपका कितना होता है? 4 पिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है आपके आटा के इंटरफेस। तो जो हमारी आटा या फिर पाटा है उसके इंटरफेस की बात करें, 2 इंटरफेस में ये आई थी। सबसे पहले आई आपके आटा 6, जहां पर हमें स्पीड जो मिलती थी वो कितनी मिलती थी? मैक्सिमम 100 Mbps तक की। फिर थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, चेंज किया गया, तो हमारी आई आटा 7, जहां पर हमें स्पीड थोड़ी सी बढ़कर मिली, यानी 133 Mbps तक की डेटा ट्रांसफर स्पीड मिली हमें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सीरियल आटा। सीरियल आटा में क्या होता है? सीरियल आटा की फुल फॉर्म बात करें तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और साटा इज अ स्टैंडर्ड। ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड है आपकी हार्ड डिस्क को कनेक्ट कराने के लिए आपके कंप्यूटर से, और साथ ही जिससे क्या हो पाए कि आपका डेटा ट्रांसफर हो पाए आपकी हार्ड डिस्क से आपके कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। जैसा कि इसका नाम बताता है कि यहाँ पर जो आपके सिग्नल होते हैं वहाँ पे पैरेलल होते थे, यहाँ पे कैसे होते हैं? सीरियल फॉर्म में। साथ ही यहाँ पर जो आपका डेटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्टर यूज होता है वो कितना होता है? 7 पिन का। वहाँ पे कितना था? 40 पिन का। साथ ही यहाँ पावर के लिए जो कनेक्टर है वहाँ पे 4 पिन था, यहाँ पे कितना है? 15 पिन का। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत काम आती है हमारे। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी ये जो हार्ड डिस्क या फिर ये जो इंटरफेस है इसी को कहते हैं साटा। साटा के अंदर क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये कि आपका जो इंटरफेस है वो कितना है? 15 पिन का है, जो किसके लिए? पावर के लिए। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसे जो है कनेक्ट करा देते हैं अपने पावर कनेक्टर से, या फिर आप कह सकते हैं ये भी हमारे क्या है? पावर कनेक्टर से। दूसरा, ये जो आपका इंटरफेस दिख रहा है ये कौन सा इंटरफेस है आपका? ये है आपका 7 पिन का कनेक्टर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसे कनेक्ट कराते हैं अपने डेटा ट्रांसमिशन केबल से, या फिर हमारे यहां पर भी देख सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन केबल से। आई थिंक आपको साटा भी अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद टाइप ऑफ साटा हार्ड डिस्क की बात करें, जैसा कि हमने वहां पे आटा के देखे थे तो 2 टाइप थे हमारे, आटा 6 आटा 7। ऐसे यहां पर क्या है हमारा साटा की बात करें तो साटा में आपके अवेलेबल हुआ साटा रिवीजन 1, जिसे हम साटा फर्स्ट या साटा 1.5 GB भी कहते थे,
यहाँ पर जो आपको स्पीड मिलती थी वो आप कह सकते हैं ट्रांसफर रेट जो है आपको 1.5 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड मिलती है, यानी आप देखेंगे तो आटा के मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड है। साटा टू यानी साटा रिविजन टू आया जिसमें हमें स्पीड कितनी मिली 3 GBPS यानी बहुत ज्यादा स्पीड। साटा थ्री के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर मिली हमें 6.0 GBPS यानी 6 GBPS की स्पीड, जो कि आप बात करें तो आटा के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आज जो है साटा का यूज सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, पाटा और साटा में कौन सी बेस्ट है, कौन सी यूज करें या फिर किस रीजन से यूज करें। तो सबसे पहले वही पाटा और साटा का आपकी फुल फॉर्म लिखिए। पाटा की होती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा की होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ट्रांसफर स्पीड की अगर हम बात करें तो पाटा में सिर्फ हमारे दो रिवीजन आए 100 Mbps और 133 Mbps, जबकि साटा में हमारे क्या है कि तीन रिवीजन आए जो कि 1 GBPS, 3 GBPS और 6 GBPS, यानी कि आपको इसके मुकाबले अगर कंपेरिजन करें तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। केबल लेंथ अगर बात करें तो हमारी जो पाटा की केबल आती है वो आपकी होती है 36 इंच की, साटा की केबल होती है 40 इंच की। केबल पिन की अगर हम बात करें तो पाटा के अंदर जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है वो होता है 40 पिन की केबल से, साटा के अंदर होता है 7 पिन की केबल से। पावर कनेक्टर जो होता है वो यहाँ पर 4 पिन का होता है और साटा के अंदर होता है 15 पिन का। हॉट स्वैपेबल जो है ये नहीं होती है, जबकि साटा हॉट स्वैपेबल है। आपको हॉट स्वैपेबल ही बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है हॉट स्वैपेबल मतलब क्या है। तो हॉट स्वैपेबल मतलब है कि अगर आपकी पाटा हार्ड डिस्क कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से और आपको क्या करना है कि वो हार्ड डिस्क निकालनी है, तो आप अगर हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं और दोबारा कनेक्ट कराते हैं तो जब तक आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं कर देते तब तक वो आपका जो है कनेक्ट नहीं होती है। और हॉट स्वैपेबल होती कौन सी है, उसका मतलब क्या है, साटा अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है और अगर आप निकाल देते हैं और दोबारा लगा देते हैं तो आपकी जो साटा हार्ड डिस्क है बिना रिस्टार्ट किए हुए आपकी जो है वहां पर कनेक्ट हो जाएगी, आपको शो होने लगेगी। जैसे अगर आपको पता हो पहले हमारे जो मोबाइल्स आते थे वो भी हॉट स्वैपेबल नहीं होते थे, जिसमें हम क्या करते थे अगर अपना सिम या फिर अपना मेमोरी कार्ड वगैरह जो है हम ऑन फोन के अंदर लगा देते थे तो वो काम नहीं करता था, जबकि हम क्या करते थे रिस्टार्ट करते तो काम करता था। वैसे ही अभी के अगर फोन्स की बात करें तो आप अपने सिम को या अपने मेमोरी कार्ड को चलते फोन में लगा देते तब भी वो क्या इंसर्ट हो जाता है, यानी आज जो हमारा फोन है वो क्या है हॉट स्वैपेबल है। अब बात करें डिवाइस पर केबल की, तो पाटा की जो केबल होती है उसमें आप एक साथ दो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, जैसा आपने पीछे देखा भी था। साटा के अंदर क्या है आप सिर्फ एक लगा सकते हैं। पाटा का पावर कंजप्शन जो है वो ज्यादा है, यानी ज्यादा पावर चाहिए होती है, जबकि साटा में कम पावर चाहिए होती है। जंपर सेटिंग की बात करें तो पाटा में जंपर सेटिंग की जरूरत होती है, यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेता है कौन सी मास्टर कौन सी स्लैब सारी चीजें पाटा में हमें बताना पड़ता है। पावर की बात करें तो पाटा में चाहिए होती है आपको 5 वोल्ट की, साटा में आपको 250 mV की, यानी आप देख सकते हैं बहुत कम पावर चाहिए। पावर कनेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको मोलेक्स चाहिए होता है, यहाँ पर आपको स्पेशल साटा पावर कनेक्टर आता है जो कि आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से पाटा और साटा के डिफरेंस समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं अगली हार्ड डिस्क है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस यानी स्कजी। अब ये क्या होता है, तो द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस स्कजी इज सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय, ये भी क्या है पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड है जिसे डेवलप किया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने यानी ANSI ने फॉर अटैचिंग, किस काम के लिए, आपके प्रिंटर को अटैच करने के, डिस्क ड्राइव आपके हार्ड डिस्क को, स्कैनर को या फिर कुछ और भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए। स्कजी को जो है यहाँ पर अगर आप बात करें तो SCSI, इसे हम क्या पढ़ते हैं स्कजी, इज सपोर्टेड बाई ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सपोर्ट करते हैं इसे। बात करें कैसा होता है देखने में, तो देखने में कुछ इस तरीके की आपके हार्ड डिस्क होती है, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है स्कजी का, 68 पिन का पोर्ट होता है आपका डेटा के लिए, पावर के लिए भाई 4 पिन का आपका मोलेक्स यूज होता है यहाँ पर। केबल आपकी देखने में कुछ इस तरीके की होती है। इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस आपका जो है पहले जब स्कजी यूज होती थी ज्यादा आपकी यूज में थी, अभी तो स्कजी भी आपकी लगभग यूज में नहीं है क्योंकि अभी सबकी जगह किसने ले लिया साटा ने, तो ये 50 पिन का भी कनेक्टर पहले यूज होता था, उसके बाद 68 पिन का कनेक्टर यूज हुआ और उसके अलावा 80 पिन का भी कनेक्टर यूज हुआ, तो ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ जाते हैं हम SSD पे। तो SSD क्या होता है, तो अ सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस
इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी हमारी एसएसडी क्या है, हार्ड डिस्क का ऐसा टाइप है जिसके अंदर की जो है कोई भी मूवेबल पार्ट यूज नहीं किए इन्होंने। जैसा अभी हम देख रहे थे हार्ड डिस्क के अंदर, वहां पर क्या था, हमने अपना प्लेटर भी यूज किया, रीड राइट आर्म या फिर अपनी स्पिंडल मोटर, बहुत सारी चीजें यूज की थी, बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट यूज किए थे। जबकि एसएसडी के अंदर इन्होंने सारे मैकेनिकल पार्ट हटा के क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जैसा वहां पर सर्किट बोर्ड था उसका यूज किया, कुछ आईसीज का यूज करके सारा का सारा डेटा जो अब आपका स्टोर होता है वो आईसीज के अंदर होता है, ना कि प्लेटर में। फिर क्या लिखा, असेंबलीज एस मेमोरी टू स्टोर डेटा परसिस्टेंटली, इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड सॉलिड स्टेट डिस्क, इसे सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। एस एस टी के अंदर कोई भी मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता जिसे मूव करे या फिर प्लेटर आपका घूमे, मोटर आपकी चले, ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे अभी हम डिस्कस करेंगे। इसकी भी कैपेसिटी की बात करें तो हमारी जो है मैक्सिमम 16 TB तक की अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट चलते हैं, देख रहे हैं आपकी जो एसएसडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, कोई प्लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी की सारी आईसीज लगी हुई है। यहाँ पर कंपैरिजन करें तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है इसमें देख रहे होंगे आप कितने सारे मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जबकि आपका एसएसडी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, कौन सी बेस्ट है, क्यों यूज करें या फिर क्यों यूज ना करें। सबसे पहला आता है आपका स्पीड की बात करें तो हार्ड डिस्क विल टेक मच लॉन्गर टाइम टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि एसएसडी जो है लगभग आपके 100 times फास्ट यानी बहुत जल्दी से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करा देती है। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी दोनों की जो है 16 TB की आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो है बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं, जो कि क्या करते हैं कि इसे जो है सस्पेक्टेबल यानी शॉक और डैमेज के लिए बनाते हैं कि ये डैमेज हो सकते हैं, यानी अगर ये थोड़ी हार्ड आपकी जो है गिरती भी है ना तब भी डैमेज होने के चांसेस है, आपका हो सकता है प्लेटर खराब हो जाए। अगर आप कभी टच करते हैं, इसे ओपन करते हैं, प्लेटर में हाथ लग गया या फिर कुछ हुआ तब भी प्लेटर आपका खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जबकि एसएसडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नॉन मैकेनिकल डिज़ाइन पे ये बनाया गया है, यहाँ पे सारे के सारे सर्किट बोर्ड के अंदर आपके फ्लैश स्टोरेज हैं यानी आईसीज का यूज़ किया हुआ है, जो हमें बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, रिलायबिलिटी देती है, हम भरोसा कर सकते हैं इस पे कि ये जो है जल्दी आपका ख़राब नहीं होना है, डेटा आपका सेफ रहना है। नॉइस की बात करें तो जब मैकेनिकल पार्ट है यानी मोटर चलेगी आपकी, मूव होगा, स्पिंडल मोटर काम कर रही है, प्लेटर घूम रहा है, तो क्या है आपका लाउडेस्ट भी होगा, यानी कई बार जो हार्ड डिस्क आपकी पुरानी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करने लगती है, जबकि एसएसडी के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं, मतलब कोई भी नॉइस नहीं, बिल्कुल आप जीरो नॉइस। हीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जब ज़्यादा पार्ट्स चलेंगे तो क्या होगा, हीट भी मोर प्रोड्यूस होगी, जबकि एसएसडी के अंदर क्या फ्लैश मेमोरी है, हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगी। कॉस्ट की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क आपकी जो वो थोड़ी सी सस्ती होती है, एसएसडी वो जो है उसके मुकाबले थोड़ी सी महंगी होती है, कह सकते हो लगभग आप जो है डबल रेट में आती है, यानी अगर आप हार्ड डिस्क 2000 या 2000 की ले रहे हैं तो आपको एसएसडी वही 4000 की मिलनी है, यानी अगर आपको रेट देखना है तो आप हार्ड डिस्क ले लीजिए, अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो आप एसएसडी को चूज करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है आप देख सकते हैं, एक बार मैंने और आपको क्लियर पिक्चर दिखाया कि हार्ड डिस्क में काम करने के लिए क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए क्या होता है कि प्लेटर चाहिए होता है, आपका एक्चुएटर चाहिए होता है, एक्चुएटर एक्सिस लगी होती है, एक्चुएटर आर्म लगी होती है, रीड राइट हेड लगा होता है, स्पिंडल मोटर लगी होती है, प्लेटर काम करता है, सारी चीज़ें होती है। एसएसडी के अंदर सिर्फ क्या चाहिए, आपकी कैश मेमोरी होती है, आपका कंट्रोलर होता है आईसी और बाकी सारी आईसी आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। इंटरफेस की बात करें तो एसएसडी में भी आपका इंटरफेस जो है साटा इंटरफेस ही अवेलेबल है, और हार्ड डिस्क में भी आपके ऊपर है कि आप आटा चूज करते हैं या साटा। इंटरनली देखें तो देख रहे होंगे बहुत सारी आईसीज यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि आपके एसएसडी को कह सकते हैं कि बेटर बनाती है आपको हार्ड डिस्क के मुकाबले। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करें जिन्हें बाहर से कनेक्ट कराना है तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव इज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर थ्रू यूएसबी और फायरवॉल कनेक्शन और वायरलेसली, जिसे आप कंप्यूटर के बाहर से भी यूएसबी का यूज़ करके, फायरवॉल कनेक्शन का यूज़ करके व या फिर आप वायरलेसली तक कनेक्ट करा सकते हैं। ये भी दो टाइप की हो सकती है, एक वायर्ड से यूज़ हो सकती है और एक वायरलेस से। अब दोनों को देख लेते हैं, अगर वायर्ड से कनेक्ट कराते तो इसके इंटरफेस ये सारे अवेलेबल हैं, आपका यूएसबी अवेलेबल है, फायरवॉल अवेलेबल है, फायरवॉल 800, ईसाटा, ईथरनेट, ये सारे के सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें वायर्ड की एक्सटर्नल की तो देखने में कुछ इस तरीके की होती है, वायरलेस की बात करें तो वायरलेस देखने में कुछ इस तरीके की होती है।
इसके बाद बात कर लेते हैं SSHD की थी। SSHD क्या होता है? तो SSHD क्या है, स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसके अंदर कुछ अमाउंट जो है सॉलिड स्टेट स्टोरेज का भी डाला गया है, यानी लगभग 8 GB या फिर उससे ज़्यादा। अब इसकी बात करें तो ये ऐसा क्यों है, या फिर हम लोग SSD या हार्ड डिस्क ये क्यों यूज़ करें? तो अगर हम बात करें तो जो हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें बेटर परफॉर्म मिल जाए SSD वाला, लेकिन SSD उनके लिए कॉस्टली है, वो नहीं परचेस कर सकते, उनके लिए बनाया गया SSHD, जिसमें हमें क्या कुछ पार्ट मिल जाता है हमारा, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को रखने के लिए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में रखिए, जिससे आपका बूटिंग टाइम या परफॉर्मेंस टाइम बढ़ जाएगा। बाकी जो आपका डेटा है वो आप कहाँ रखिए, हार्ड डिस्क वाले पार्ट में। और ये करने के लिए आपको ऐसा नहीं अलग अलग आपको इंस्टॉल कराना पड़े, ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगी होती है कंट्रोलर आपकी चिप, जो कि ये डिसाइड करती है आपका डेटा स्टोर कहाँ पर होना है, कौन सा डेटा। देखने में कुछ इस तरीके की होती है, आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप SSHD आपकी जो है 2000 GB की यानी 2 TB की है। यहाँ पर क्या है कि आपकी SSD का भी पार्ट लगा हुआ है, साथ ही इसमें मैकेनिकल पार्ट यानी हार्ड डिस्क के भी होते हैं। आपको आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा हार्ड डिस्क के बारे में सारी चीजें। कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।